हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड की सर्वाइवल मूवीज जो अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश में। दोस्तों, ये सारी मूवीज थ्रिल, एक्शन एंड एडवेंचर से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये वीडियो है पार्ट टू। पार्ट वन के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं टॉप 10 मूवीज कौन कौन सी हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे है इन द हार्ट ऑफ द सी, जो की आई थी 2015 में। एक्शन, एडवेंचर एंड बायोग्राफी जॉनर की है फ्रेंड्स। आईएमडीबी रेटिंग 6.9 और ये अवेलेबल है यूट्यूब पे। दोस्तों, ये मूवी एक शिप के सिंकिंग पर बेस है। इस मूवी में एक जायंट व्हेल एक शिप से टकरा जाती है और वो शिप डूब जाती है। बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 पे है सोल सर्फर, जो कि आई थी 2011 में। बायोग्राफी, ड्रामा एंड फैमिली जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7, अवेलेबल है ये सोनी लिव पे। दोस्तों, ये स्टोरी टीनेज सर्फर बेथनी हैमिल्टन की है, जो कि एक शार्क अटैक में अपना एक हाथ खो चुकी है और वो अपना फियर ओवरकम करके फिर पानी में आती है। नंबर 8 दोस्तों स्विस आर्मी मैन, जो कि आई थी 2016 में। कॉमेडी, ड्रामा एंड फैंटेसी जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7, अवेलेबल है ये टेलीग्राम पे। दोस्तों, इस मूवी में एक आदमी एक आइलैंड में फंस जाता है। अब वो कैसे ट्राई करके बचकर घर पहुंचता है ये बताया गया है। बात करें आगे दोस्तों नंबर 7 के बारे में। तो नंबर 7 पे है एवरेस्ट, जो की आई थी 2015 में। एक्शन, एडवेंचर एंड बायोग्राफी जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7.1, अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में। दोस्तों, ये मूवी न्यूजीलैंड रॉबर्ट रॉब एडविन हॉल और स्कॉट फिशर की है, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक टीम बनाते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। तो नंबर 6 पे द वे बैक, जो कि आई थी 2010 में। एडवेंचर, ड्रामा एंड हिस्ट्री जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7.3, अवेलेबल है ये टेलीग्राम पे। दोस्तों, ये मूवी 1941 के इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें 3 मेन साइबेरियन गुलक से बचकर निकल जाते हैं और 4000 माइल्स के टफ ट्रेवल करके इंडिया जाते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 5 पे सली, जो की आई थी 2016 में। बायोग्राफी एंड ड्रामा जॉनर की है। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7.4, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। दोस्तों, ये मूवी चेस्ले सुली सोलेनबर्गर, जो कि टॉम हैंक्स की स्टोरी पे है। वो एक पायलट हैं जो कि हीरो बन जाता है जब वो एक डैमेज प्लेन को ह्यूडसन नदी में लैंड करवाता है। नंबर 4 पे दोस्तों लोन सर्वाइवर, जो कि आई थी 2013 में। एक्शन, बायोग्राफी एंड ड्रामा जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7.5, अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पे। दोस्तों, इस मूवी में मार्कस लूटर एक तालिबान लीडर को किल करने के लिए एक मिशन पर जाते हैं, जहां उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों ओनली द ब्रेव, जो कि आई थी 2017 में। एक्शन, बायोग्राफी एंड ड्रामा जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 7.6, अवेलेबल है ये यूट्यूब पे। दोस्तों, ये मूवी ट्रू स्टोरी ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स पर बेस्ड है, जिसमें कुछ फायर फाइटर अपनी लाइफ रिस्क में डाल के एक टाउन को बचाते हैं। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 2 पे है दी मार्शियन, जो की आई थी 2015 में। एडवेंचर, ड्रामा एंड साइफाई जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 8, अवेलेबल है ये डिज्नी हॉट स्टार पे हिंदी में। दोस्तों, इस मूवी में एक एस्ट्रोनॉट मार्स में फंस जाता है, फिर वो अपने इंजीनियरिटी का यूज करके अर्थ को सिग्नल भेजता है कि वो अलाइव है। नंबर 1 की बात करें आखिर में दोस्तों, जुरासिक पार्क, जो कि आई थी 1993 में। एक्शन, एडवेंचर एंड साइफाई जॉनर के। दोस्तों, आईएमडीबी रेटिंग है 8.1 और ये अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे हिंदी में। दोस्तों, ये मूवी डायनासोर पर बेस है। इसमें एक पैलेंटियोलॉजिस्ट एक थीम पार्क विजिट करता है और खुद को डायनासोर के बीच फंसा हुआ पाता है। दोस्तों, ये थी टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड सर्वाइवल मूवीज। उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आएगी। आगे के और मजेदार वीडियोस के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।